हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं एक व्लॉग काफ़ी टाइम बाद बनाने वाला हूँ ऐसा, जिसके अंदर मैं आपको अपनी किसी भी गाड़ी का अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी जो मेरे चैनल पे फिलहाल आज की डेट में है, जो है स्कॉडा लॉरा मेरी, उसका अपडेट देना है आपको। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने बताई थी आपको जब मैं मीट पर गया था, और मेरे साथ फिलहाल मेरा दोस्त जयदीप भी है। पहली बार आया ना? हाँ जी। और पीछे मेरी वरना भी आई हुई, चाचू आए हुए लेने के लिए। तो गाड़ी का अपडेट देना है, गाड़ी का काफ़ी सारा कुछ काम होना था, वही सारा काम आपको आज दिखाने वाला हूँ मैं कि क्या काम था जिसकी वजह से मैं मीट पे तो लेके गया पर गाड़ी ड्राइव पे नहीं गई थी। तो अब सीधा गाड़ी के अंदर चलते हैं, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, और गाड़ी के अंदर आपको सारी डिटेल समझाता हूँ। सो गाइस, पूरी लिस्ट गाड़ी की जो जो काम होना है वो मेरे पास हाथ में है, और बहुत सारा काम होना है गाड़ी का, लिटरली बहुत सारा होना है। और इससे पहले भी कुछ काम हो चुका है, वो मैंने आपको वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हुआ था, प्लस एग्जाम्स चल रहे थे मेरे। पहले जो हुआ था वो ये था कि गाड़ी के स्पार्क प्लग्स और कॉल पैक्स दोनों चेंज हुए थे, क्योंकि गाड़ी का इंजन मिसफायर कर रहा था, फोर्थ सिलेंडर में मिसफायरिंग हो रही थी। तो उस चक्कर में हमें कॉल पैक्स और स्पार्क प्लग्स चेंज कराने थे, क्योंकि वो होने ही होते हैं। उस वजह से फिर गाड़ी में तब प्रॉब्लम हो गई थी। जिस गाड़ी के अंदर मैं हूँ ये वही वरना है जिसने आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों को बहुत कन्विंसिंगली आ रहा था, और ये मेरे वही वाले चाचू हैं जो मैंने बताया था गाड़ी में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करते। और उसके बाद भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार ये गाड़ी ट्यून्ड है, पर ये गाड़ी ट्यून्ड नहीं है। मैं फिर बता दो सबको कि गाड़ी स्टॉक है, 1.5 डीजल है, इसने लिटरली बहुत सारी गाड़ियों को सेम सेगमेंट में, जिसके लिए लोग सोच रहे थे जीत जाएंगी, वो सब हार गई थी। इनफैक्ट न्यू वरना टर्बो को भी हरा दिया था इसने, टर्बो पेट्रोल को, उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी, अभी लिंक डाल दूंगा ऊपर, आप दोबारा देख लेना जिन्होंने नहीं देखी। तो ये गाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फास्ट है, ये बात तो है, लेकिन क्यों है वो आज तक नहीं पता हमें, क्योंकि स्टॉक गाड़ी है। सीधा गाड़ी के फिर चेंजेस की बात करता हूँ। बेसिकली पूरा का सस्पेंशन चेंज होना है गाड़ी का, सस्पेंशन की रॉड्स बुशेस जो है वो दोनों की दोनों चेंज होनी है। क्लच गाड़ी का पूरा जा चुका है, फ्लाई व्हील इसका चेंज होना है, साथ में इसकी डिस्क चेंज होनी है। ब्रेक पैड्स मैंने रिसेंटली डलवाए थे अभी 4-5 महीने पहले, लेकिन अब डिस्क भी इसकी चेंज होनी है। तो डिस्क हो गया, ब्रेक्स हो गई, सस्पेंशन हो गया, शॉकर्स भी मतलब सारा का सारा काम होना है गाड़ी का। कश्मीरी गेट जा रहे हैं, BKS मोटर्स जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी जान पहचान का कोई है जहाँ से होलसेलर है, पहले काम कराया हुआ है इन्होंने, मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चाचू के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं, मेरे को कोई बेवकूफ़ भी बनाया था बेकार माल लगा के, अब ताकि अच्छा क्वालिटी का माल मिले एंड ओरिजिनल जेन्युइन माल मिले, तो इस वजह से साथ जा रहा हूँ देखने की कैसे चेक करते हैं ये सब कैसे होता है। और गाड़ी का यही सारा काम है, लिटरली जो वेयर एंड टायर के पार्ट्स होते हैं सारे चेंज हो रहे हैं। इसी चक्कर में अब थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ऑन द एक्सपेंसिव साइड अभी तक गाड़ी के ऊपर 2.5 लाख के आसपास लग चुके हैं ऑलरेडी। हमने गाड़ी ली थी 3.25 लाख के अराउंड की, एंड 2.5 लाख ऊपर लग चुके हैं, और अभी आज और काफ़ी खर्चा होने वाला है। तो ये स्कॉडा कोई लोगे पुरानी तो एक्सपेंसिव तो होगा वो, अब सीधा वहीं पे चलते हैं। और ये भाई भी अपनी आई 10 ग्रैंड न्यूज के लिए बाकी काफी सारा काम कराने वाले हैं, टर्बो चार्जर लगवा रहे हैं ना। मेरा सारा सामान आ रहा है बीके मोटर्स पे, तब तक भाई ने शॉपिंग करी है, भाई ने रैचेट और क्या लिया है, कनेक्टर लिया है टायर का पंचर लगाने के लिए। उसने सोचा है कि अगर ये वॉश प्लेयर नहीं बन पाया तो पंचर की दुकान खोल लेगा अपनी, क्यों सही बोल रहा हूँ मैं, और इसकी पंचर की दुकान का एड्रेस भी मैं डाल दूंगा जब खुलेगी, आप सब जाके देख लेना, वहाँ भाई सारे फ्री में पंचर लगाएगा। तो ये रहा इसका रैचेट, ये रहा इसका कनेक्टर, ये रहा खुश आदमी। तो गाइस अब हम वापस आ चुके हैं BKS पे, BKS मोटर, जहाँ से हमने हमारा सारा सामान ले रहे हैं जो भी काम करा रहे हैं, और पूछते हैं अंदर कि सारा सामान आया कि नहीं आया। ये रही वरना खड़ी है, सामान तो नहीं आया, मतलब आया 10 मिनट्स ओके। शॉकर है, हाँ ये शॉकर माउंटिंग है, शॉकर माउंटिंग, ये शॉकर बुश है, हाँ ये बुस्किट है, ये बोलिए लिंक रोड है, अच्छा गियर ऑयल है, और ये क्या नीचे है, तो ये अगले रोटर है या पिछले रोटर है? अच्छा ब्रेक डिस्क यूज़ करते हैं, और फ्लाई व्हील अभी दे रहे हो आप, क्लच और फ्लाई व्हील। गाइस सारा का सारा सामान आ चुका है, बस क्लच प्लेट रह रही है, और इससे मैंने पूछा क्लच प्लेट मंगवा दो यार, भैया कह रहे हैं 15 दिन में गाड़ी छोड़ देना, तो 10 मिनट रुक जाओ, अभी कहाँ छोड़ दो 15 दिन के लिए कंपनी में, उसके बाद इंसान क्या ही बोले, क्या बोल सकते, बात तो सच बोल दी उन्होंने। बस अब यहाँ से सारा सामान लेके हम जाएंगे हमारी स्कॉडा के पास, वहाँ पे सारा सामान लगवाएंगे। आज हो जाएगा काम सारा, आज कल होगा, घंटे में हमें जाने नहीं लगते, आधा घंटे का रास्ता, एक घंटा कैसे हो जाएगा,
यहाँ खड़े भी तो रहेंगे ना 15-20 मिनट। देखते हैं अब कितनी देर लगती है, जल्दी हो जाए बस गाड़ी के पास सामान पहुँच जाए, कल तक हो जाए, फिर परसों गाड़ी लेके निकलेंगे बस। गाइस फाइनली हमारा जो है क्लच प्लेट और हमारा फ्लाईव्हील दोनों आ चुके हैं और अब जल्दी से चलते हैं स्कोडा के पास क्योंकि अब बहुत लेट हो चुके हैं। टाइम दिखा दें एक बार क्या हो रहा है। मेरे को 4:53 हो गया और हम आए 3 बजे थे, काफ़ी लेट हो गई है। बस चलते हैं अब जल्दी से क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास वेस्ट करने को, क्योंकि फिर वरना काम कल पे डल जाएगा सारा। The next day. So guys, ये देखो ये रही इसकी पुरानी डिस्क लोरा की जो पूरी जा चुकी है। न्यू डिस्क अभी लग रही है, फ्रंट में तो लग रही है, रियर में लग रही है। डिस्क लग रही है ना रियर में, कुछ तो बहुत हो गए इतने पैसे लगा के गाड़ी में। फिर से अभी तो उसके गियर लीवर का काम होना है। हाँ और बता कुछ करना है, गाड़ी नहीं लगाते, इंजन ही ले लेते हैं, A4 लेते हैं, इसको TDI कन्वर्ट कर देते हैं, 2 लीटर TDI के साथ जटा का लगवा देते हैं। नहीं उसका सुपर मिलता है, 177 भी है, लग नहीं गएगा इसी, हम इसी सब चेंज होगा। वो तो होता ही है, इतनी बड़ी निशान आएंगे टायर पे तो गाइस। कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने वीडियो भी डाली थी, उसमें बोला नहीं था लेकिन सिनेमैटिक से डाल दो शॉट डाल दिया होगा मैंने। हमारे रियर की जो डिस्क लग रही थी उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो इसके साइज की नहीं मिल रही थी हमें, और इसके मॉडल की नहीं, इसके मॉडल की नहीं, सब मॉडल अलग है। हाँ वो लग तो जाती मगर प्रॉब्लम ये थी कभी हम स्टेप नहीं चेंज करते। हाँ, तो वो लगना पाती, तो वापस नहीं लग पाती। हाँ। तो उसमें ये था कि वो स्क्रू का कुछ हिसाब था, होल्स मिले होते हैं, पांच होल्स मिले होते हैं, जैसे ये रहे ना, ये इसके जो होल्स है इसके हिसाब से कुछ डिस्क का हल्का सा 2 mm आउट होते हैं वो। अच्छा हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, शॉकर रोटर्स मंगाने पड़ गए हमें, अब शॉकर भी चेंज हो गए। हाँ इसके रियर शॉकर भी चेंज हो रहे हैं, फ्रंट शॉकर तो हुए। मैंने पूरी लिस्ट की फोटो डाल दूंगा और उससे रन थ्रू करा दूंगा क्योंकि अब बिल तो इन्होंने कहाँ गायब कर दिया, कोई आइडिया नहीं है इनको खा रखा है इन्होंने। मैंने इसलिए पता जैसे आया था मैंने फोटो ले ली थी, मेरे को पता था इनके हाथों में जाएगा फिर गायब हो जाना सामान। गाड़ी को अभी जो हमने टेस्ट ड्राइव लेके देखी कि फ्रंट से अभी लेफ्ट साइड से मेरे को कोई आवाज़ आ रही है, तो वो चीज़ चेक कर रहे हैं कि वो क्यों आ रही है, क्योंकि सस्पेंशन का सारा काम हुआ है, डिस्क का सारा काम हुआ है, ऑयल पैक पार्क प्लग्स वो सब कुछ हुआ है, और उसके बाद कल एक और जगह भी जाएगी गाड़ी, वहाँ पर भी कुछ काम होने वाला है। तो अभी ये सारा काम हुआ है एंड रियर में अब दोबारा डिस्क फिट करके देख रहे हैं कि ये वाली आ जाए, फुली आ जाए, क्योंकि साक्षी नंबर लिया था इस बार भी BKS मोटर्स पे, और साक्षी नंबर तो पहले भी लिया था पर तब भी नहीं आई थी, और 2 बार होके आ गए हम, तो होपफुली तीसरी बारी में हो जाए। गाइस ये रहा टोटल सारा सामान, नाम बताने है एक एक चीज का, बताओ भैया क्या क्या है उसमें। देखिए शॉकर हो गए, ये शॉकर है, हाँ। हो गई क्या है, लिंकेज है, लिंक। अच्छा लिंक रॉड है, ये बुश हो गए चिमटे के, अच्छा चिमटे के बुश हो गए, ये शॉकर के बूट हो गए, अच्छा ये माउंटिंग हो गई, शॉकर माउंटिंग है, ये एंड हो गए चिमटे के एंड, हाँ ये रोटर हो गया, रोटर, हाँ रोटर ये रहे, फ्रंट है ना ये तो, चारों रोटर, हाँ क्लच हो गया, हाँ ये क्लच हो गया, फ्लाईव्हील ये रहा, ये है सबसे मोटा खर्चा, क्लच फ्लाईव्हील सबसे ज्यादा इसी चीज का एक्सपेंस आया मैंने, पीछे के शॉकर भी चेंज हो रहे हैं, पीछे के ये रहे न्यू शॉकर्स लग रहे हैं, ये रोटर पीछे के भी, एंड ये आगे के भी चेंज हो गए, पीछे के, हाँ आगे की तो हो गई थी, अब पीछे की, पीछे की इतनी अच्छी लग रही है, सुंदर सुंदर सी। वैसे देखो ये रही इसकी पुरानी वाली डिस्क, पुराने वाले रोटर्स, और ये इसकी नई वाली, इतना फर्क है इसकी, ये बेस होता है इसका। सो गाइस जो मैंने दिखाया था आपको लास्ट, अब उस टाइम पे तो उस टाइम पे तो मैं दिखा नहीं पाया आपको कि गाड़ी का, मैंने आपको लास्ट ही बताया सस्पेंशन का काम होना था कि रियर सस्पेंशन के रियर स्प्रिंग्स जो थे वो लगने थे। अब मेरे पास उसका अलग से तो बिल नहीं है, बट पुराना वाला जो बिल है वो मेरे को एक्सप्लेन करना था, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड रियर सस्पेंशन जो था वो भी चेंज हो चुका है, रियर सस्पेंशन के साथ साथ रियर डिस्क जो थी वो भी लगनी थी नई वाली, वो भी लग चुकी थी। तो ऑलमोस्ट क्या मतलब, मैकेनिकली सब कुछ चेंज हो चुका है इसका, अगर हम सारे के सारे वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स की बात करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त से पहले डिस्क ख़राब कर देते हैं, जैसे कि ये मेरा भाई, इसने अभी वेंटो ये 1 लीटर को ख़राब कर दिया था, आपने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो यार हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि ख़राब होनी पड़ी। हाँ
कुछ हालात नहीं थे, पहली सर्विस भी नहीं हुई गाड़ी की यार, एंड फ्रंट लेफ्ट की डिस्क चली गई थी वो भाई के चक्कर में। वो आप देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा वो ऊपर देख लेना, यहाँ पे कहीं पे मैं डाल दूंगा। एंड उसके अलावा इस गाड़ी का सारा काम हो चुका है, लिटरली ऐसे ड्राइव कर रही है जैसे कि कोई नई गाड़ी हो। क्लच एकदम परफेक्ट है, ब्रेक्स परफेक्ट है, सस्पेंशन एकदम इसका परफेक्ट है। बस अंदर अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो गाड़ी की मेरे को करानी है, जैसे कि इसका RCD अपग्रेड कराना है, RCD 340 लगवाना है मेरे को। RCD 340 जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो कराऊंगा। प्लस इसका ट्यून भी थोड़ा चेंज कराना है। गाड़ी का देखनी, गाड़ी सबने देखी हुई है भाई, वो दिखाया जा रहे हो आप, उसका ट्यून चेंज करना है। इसका इसको भी ट्यून कराने का सोचा था हमने, पर इस गाड़ी का हमने सोचा यार इतने अच्छे डब्बे का कोई ट्यून आए 20 BHP ऊपर उसमें कोई फ़ायदा है नहीं, कोई पावर निकालेगी नहीं, तो ट्यून कराया नहीं इसको फिर हमने। एंड इसको अब इसका कुछ ट्यून भी चेंज कराऊंगा मैं कल, आप देख लेना कल या परसों जब भी ब्लॉग डालूंगा। एंड अपग्रेड नहीं होगा, स्विच होगा, स्टेज 1 ही रहने वाली गाड़ी। तो पार्ट्स मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। इसकी बुश किट, लिंक रॉड, जंप रॉड, बुश बॉल जॉइंट, फ्रंट रोटर्स, बैक रोटर्स, फ्रंट शॉकर, रियर शॉकर, शॉकर माउंटिंग, शॉकर किट, क्लच सेट विथ फ्लाई व्हील, गियर ऑयल, इंजन ऑयल एंड गियर ऑयल, इंजन ऑयल एंड एक और कोई ऑयल था वो चीज़ मैं भूल गया, लेकिन कुछ था यार, बहुत सारी चीज़ें थी, टोटल 17-18 कंपोनेंट्स थे। इसमें जो बिल है वो 53-54,000 रुपीज़ का है, प्लस 10,000 रुपये रेयर शॉकर के लगे थे, प्लस इसके इंजन का जो इसका एक जो ऑयल मैं बता रहा हूँ जो रह रहा है उसमें भी शायद 3-4,000 रुपये और लगे थे। एंड इसकी गियर बॉक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा प्ले है बस उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर मैंने इसको डाला गियर में तो यहाँ पे प्ले काफ़ी है, एंड ये जो है ये ऐसे ठीक नहीं होगा क्योंकि मैंने पता भी किया, अगर आप चीज़ या यूनिट का पार्ट चेंज कराते तो नहीं होगा, ये पूरी असेंबली लाइन चेंज होगी इसकी, तभी ये चीज़ ठीक होगी, एंड वो चीज़ ठीक होगी फिर ही सारा सब कुछ परफेक्टली काम करेगा। अब गाड़ी का अभी के लिए काम काफ़ी हो चुका है, कल इसके ट्यून में कुछ मेजर चेंज होने वाला है। अब इस जोकर को देखो, कल जब इसका काम हो जाएगा फिर फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। एंड एक प्रोजेक्ट कार अगर आप लेते हो, स्कोडा लॉरा जैसी गाड़ी लेते हो जो कि इंडियंस की फेवरेट है, फेवरेट ट्यूनर फ्रेंडली कार है, तो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं एंड इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आई हैं। एंड वो चीज़ हमें फील हुई है कि हाँ यार गाड़ी एक्सपेंसिव है टू मेंटेन। हमने गाड़ी ली थी 3,15,000-3,20,000 के अराउंड की, 325 था शायद, एंड उसके बाद गाड़ी के ऊपर 3 लाख से ज़्यादा पैसे लग चुके हैं। एंड हमारी गाड़ी आई थी मार्च के महीने के आसपास, हो रहा है दिसंबर, तो 9 महीने हो गए, 9 महीने में गाड़ी की जो कॉस्ट गाड़ी पे लगी है 3,00,000 से 6,50,000 के आसपास हो चुकी है। तो क्लियरली एक्सपेंसिव तो है मेंटेन करने के लिए, बट फिर वही है यार, जब आप इसको चलाते हो, इफ़ यू थ्रो फ्लोर द थ्रॉटल व्हेन यू पुश इट हार्ड, तब आपको सब कुछ वो चीज़ें भूल जाते हो आप, क्योंकि इतनी अच्छी रिलेंटलेस पुल करती है ये, 200 BHP है एंड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मज़ा आता है। सो इस ब्लॉग को इस अच्छे नोट पे एंड करते हैं। 1 लीटर से कोई कंपैरिजन नहीं बनता 1 लीटर के, क्यों बोलते रहते हैं छोटे टुल्लू पंप वाले, एक ये एक विवान टैगरा वो भी ऐसे ही है 1 लीटर कहता रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड योर बिग थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन समथिंग वीडियो, बाय।